हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर का नज़रिया और स्वागत है आपका नूर के नज़रिए में। तो बस आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। जी हाँ, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। तो गार्डनर दोस्तों के सामने जब इस तरह की दिक्कतें आएँ तो वो क्या करें, इसका सॉल्यूशन आज हम मिलके इसी में खोजेंगे। जी हाँ, ये जो आप गमला देख रहे हैं मेरे सामने, ये गमला है पत्थर का। जी हाँ, और ये अंदर से आप देखिए, इसमें कोई भी ड्रेनेज होल नहीं है और ये काफ़ी ही बड़ा गमला है, लेकिन अंदर ये सिर्फ 6 इंचज ही होगा और नीचे इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। और ड्रेनेज होल होना तो बहुत ही ज़रूरी है गार्डनिंग में, वरना पानी रुक जाता है तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ड्रेनेज होल नहीं होते और फिर भी हमें प्लांट्स लगाने होते हैं, तब हम क्या करें। तो उसी के बारे में आज इसमें हम बात करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि क्या सॉल्यूशन है। ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो फिर आप कैसे इस प्लांट लगाएं। ये जो गमला आप देख रहे हैं, दरअसल ये मुझे मिला है अपने बैकयार्ड गार्डन से, ये मेरा नहीं है। पर जब ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं गार्डनर को तो वो छोड़ता कहाँ है, वो सोचता है हम तो यूज़ ही कर लें, कोई ना कोई प्लांट लगा लें। ये देखिए कितने नीचे तक, इसमें अगर ड्रिल से भी मैं होल बनाने की कोशिश करूँगी तो बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो इस कंडीशन में हमको करना ये होगा कि ये जो गमला है हमारा, इसमें हम बस पानी कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे जी, देखिए ये मैंने अपनी मिट्टी भर ली है इसमें, और ड्रेनेज होल मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि इसमें है नहीं। ये आपको जो सॉइल दिख रही है बहुत भुरभुरी एकदम पोरस मिट्टी है, और सॉइल मिक्स मैंने इससे पहले भी 2 बार शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये है ऐश। तो ऐश एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करती है, इसलिए इसको हम अपनी मिट्टी में मिला देंगे तो ये अच्छा काम करेगी फंजीसाइड की तरह। और इसके अलावा आप फंजीसाइड्स भी मिला सकते हैं। तो कई तरह से मैंने सॉइल मिक्स बनाना बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं उधर से। तो इसमें मैंने अपनी सॉइल भर ली है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ। ये आ गए हमारे सीड्स, ये जो सीड्स आपको जीरे की तरह दिख रहे हैं, दरअसल ये हैं सोया के सीड्स। और ये जो मोटे कुछ दिख रहे हैं जिसमें हल्की सी डंडी है, ये हैं पालक के सीड। तो ये देखिए पहले सोया के सीड्स, सोया एक लीफी वेजिटेबल है और ये 6 इंच में बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है, और यही सही टाइम है इसको लगाने का। तो इसी टाइम सोया, पालक, मेथी ऐसी चीज़ों को लगाया जाता है। ये सीड्स हैं पालक के, तो सोया और पालक दोनों एक साथ बनती है तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सोया को मेथी के साथ भी बनाते हैं। तो हम इस 6 इंच के गमले में अपने इसी को लगाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम इसको लगाना बताएंगे आपको। तो ये बिल्कुल सही समय, आप भी अपने गार्डन में इस समय लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं, नहीं तो 15 अक्टूबर तक लगा लें। ये देख लिए मैंने सॉइल में अच्छे से ऐश को मिक्स कर लिया है, तो इसी तरह आप भी कर लो। और कोई भी मोटी सी चीज़ ना हो, ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। अगर बहुत बड़ी चीज़ हो आपकी गमला या ग्रो बैग्स वगैरह, तो आप ऐसे गोल गोल सर्कल बनाकर भी लगा सकते हैं बीज को, जैसे मैंने बनाए हैं कई। और अगर आपका गमला छोटा है तो आप इस तरह से सीधी सीधी सी लाइनें बना के लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्प्रिंकल भी कर देंगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से लाइंस बना ली हैं, हालांकि ये ऐसे भी डाल देती, ये तो बहुत छोटा सा गमला है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने ये पालक की सीड्स डाल दिए हैं, ये थोड़े दूर दूर डले होना चाहिए, अगर बहुत पास हों तो जब ग्रो कर जाए तब आप इसकी थिनिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 लाइंस में तो ये पालक के बीज डाल दिए, और बीच वाली में मैं सोया के बीज डाल दूंगी। और बस फिर इसमें हम पानी को कंट्रोल करेंगे, कैसे कि हमें पानी बहुत कम मात्रा में देना है, क्योंकि इसमें निकलने के तो कोई जगह है नहीं, और हमें इस तरह के गमलों को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर बारिश का सीधा पानी ना आता हो, यानी कि थोड़ा शेडी एरिए में, जहाँ सनलाइट तो आए पर बारिश का पानी ना आए। और हम इसमें बहुत कम मात्रा में पानी देंगे, और कभी ऐसी कंडीशन अगर आ गई कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अखबार के टुकड़े सरफेस पे बिछा देंगे, जिससे वो
पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर उन्हें हटा देंगी। अगर अखबार के टुकड़े पेपर्स वगैरह नहीं है तो इसके लिए आप सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप इसमें पानी दें तो स्प्रे बॉटल से दें या किसी भी ऐसी हाथ लगा करके पानी दे दें और बहुत कम पानी दें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें सीट सोइंग कर दी है। अब बस मैंने इसको हाथ से ऐसे ही अंदर कर दिया है सॉइल की सीट्स को। अब मैं हल्का हल्का सा पानी दूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उससे दे दें, नहीं ऐसे भी दे दें हल्का हल्का सा पानी, बस बीज ऊपर ना आ पाए, सॉइल के अंदर ही रहें। ये देखिए मैं हाथ से कितना कम मात्रा में पानी दे रही हूँ। इसी तरह आप भी पानी को कंट्रोल करें। आप थोड़ी मात्रा में पानी दो। अगर आपको शाम के टाइम ऐसा लगे कि अब हमारा जो प्लांट्स इसमें है या वेजिटेबल है उसके जो पत्ते हैं वो झुक रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा पानी दे दें। तो इस तरह की समस्या को अगर आपको सामना करना पड़े तो अब आप इसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकेंगे कि किस तरह से आप उसका यूज़ करें। और ये देखिए लग गए मेरे सोया और पालक। और ये 3 दिन बाद का क्लिप है। ये देखिए मेरी जो स्प्राउटिंग हुई है कितनी अच्छी हुई है। छोटे छोटे से मेरे सारे प्लांट्स निकल आए हैं, ग्रो कर गए। मेरी मिट्टी बहुत अच्छी थी, एकदम पोरस भुरभुरी सॉइल मिक्स था। तो इसके सीड्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि, लेकिन आसानी से ग्रो कर गए हैं। आप ये देखिए मुझे बहुत अच्छा जर्मिनेशन रेट भी मिला है, 75% जर्मिनेशन अभी 3 दिन के अंदर ही हो गया है। और अभी और भी होगा। ये देखिए आप, आपको मिट्टी में छोटे छोटे से और भी स्प्राउट्स दिख रहे हैं जो बहुत जल्दी 1-2 दिन में मिट्टी से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए वो मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि बहुत आसानी से बीज निकल आए हैं। तो बस इसी तरह हमारी बहुत जल्दी लीफी वेजिटेबल तैयार हो जाती है। और हार्वेस्टिंग का वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा, तो मैं आपके साथ फिर हार्वेस्टिंग का वीडियो भी शेयर करूँगी। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।